मित्रों नमस्कार, मैं आरिफ टेमरे पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं पर्यावरण विषय का जो प्रथम बिंदु है अर्थात संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जो परीक्षा होने वाली, उस परीक्षा में जो पर्यावरण विषय है उसका जो पेडागॉजिकल मुद्दे हैं, पेडागॉजिकल मुद्दों के अंतर्गत जो पहला बिंदु है कि पर्यावरण की अवधारणा और उसकी आवश्यकता। मैंने पिछली वीडियो में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में आपको बताया है और आप लोगों को मैंने विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में अवगत कराया है। मैं अगली कड़ी में आपको पर्यावरण की आवश्यकता हमें क्यों है या पर्यावरण अध्ययन करना क्यों जरूरी है, पर्यावरण के अध्ययन के बारे में बच्चों को जानकारी देना क्यों आवश्यक है और हमें पर्यावरण के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इस पर प्रकाश डालने हेतु मैं आपको आज इन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैंने जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है कि पर्यावरण की आवश्यकता, अब पर्यावरण की आवश्यकता हमें क्यों है, ये कुछ बिंदु हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला जो बिंदु है जीवन की निरंतरता बनाए रखने हेतु। तो जीवन की निरंतरता बनाए रखने हेतु से क्या आशय है कि भाई हमारा जो जीवन है, निश्चित तौर से आपने प्राचीन काल में देखा होगा बहुत सारे जो जीव जंतु हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं, उनका जीवन खतरे में आकर के उनकी प्रजाति समाप्त हो चुकी है। क्योंकि पर्यावरण में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी जिस वजह से उनका जीवन खतरे में आ गया है। आज हम देखेंगे यदि हम पर्यावरण को अगर सुरक्षित नहीं करेंगे और पर्यावरण के बारे में हम अगर सोचेंगे नहीं तो निश्चित तौर से आगामी समय पर हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा, हमारा जो अस्तित्व है वह निश्चित तौर से मिट जाएगा। अतः हमारा जीवन और अन्य प्राणियों का जीवन है, मैं केवल मनुष्य की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अन्य प्राणियों का जीवन भी है इस धरा पर, इस धरती के ऊपर लगातार निरंतर चलता रहे, इस हेतु हमें निरंतर प्रयास करना होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने हेतु अर्थात हमारा जीवन किस तरह से अबाध गति से चलता रहे, सारे प्राणियों का जीवन आगे चलता रहे, इस हेतु हमें पर्यावरण के बारे में जानना होगा और उसमें सुधार करना होगा और पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं इस पर हमें जानना होगा। दूसरा बिंदु है जीवन की योग्य गुणवत्ता हेतु। अब जीवन की योग्य गुणवत्ता हेतु, अब देखिए, अगर मान लो हमारा जीवन निरंतर चल भी रहा है, आबाद गति से चल भी रहा है, परंतु उस जीवन में कोई गुणवत्ता नहीं है अर्थात हम लोग स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं और हमारी जो कार्यकुशलता है, हमारे जो सामर्थ्य है, यदि मान लो उसके अनुकूल अगर हम प्रगति को प्राप्त नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से हमारा जो जीवन है व्यर्थ है। अतः जीवन, हमारे जीवन में गुणवत्ता बनी रहे, हमारी कार्यकुशलता बनी रहे और हमारी जो कार्य क्षमता है वो बनी रहे जिससे कि हम उन्नति कर सकें, प्रयास कर सकें, ऐसे गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन करना आवश्यक है। अगला बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम हेतु निश्चित तौर से जो ऊपर के जो दो बिंदु हैं जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु एवं जीवन की योग्य गुणवत्ता बनाए रखने हेतु, इन दोनों बिंदुओं के लिए यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरण जो प्रदूषण है वो किस तरह से होता है जो कि हमारे अस्तित्व के लिए एक खतरे की निशानी है। जैसे हम अगर प्रदूषण की बात करें तो हमारे जो अजैविक घटक हैं जैसे वायु, दूसरा जल, तीसरा भूमि अर्थात मिट्टी, और तो ये इनमें जो है कहना चाहिए विभिन्न कारणों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, वो जानना कि किस तरह से ये हमारे जो अजैविक घटक हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं और उन अजैविक घटकों के प्रदूषण को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता हम बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे किस प्रकार, कहाँ कितना प्रदूषण हो रहा है और उसकी क्या क्या उससे क्या क्या हानियाँ हो रही हैं इस पर हम जानेंगे। देखिए, अगली कड़ी में जो चौथा बिंदु है पारिस्थिति के संतुलन हेतु, निश्चित तौर से जो सारा जीव जगत है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, अर्थात यहाँ की जो परिस्थिति है, पारिस्थितिकी है, उसमें निश्चित एक संतुलन बना रहे, सभी प्राणियों का अपना अपना स्थान हो, इस हेतु हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। पांचवा बिंदु है ग्लोबल वार्मिंग समस्या का निस्तारण हेतु। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि यहाँ का जो तापमान है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है, तो उस वृद्धि की वजह से बहुत सारे हानियाँ जो हैं
और हमारे यहाँ का जीवन स्तर जो है उसमें गिरावट आने लगती है। अतः ग्लोबल वार्मिंग को समझते हुए उसकी रोकथाम हेतु हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। अगला बिंदु है वृक्षारोपण का महत्व व वनों की महत्ता को प्रकट करने हेतु। निश्चित तौर से पर्यावरण के अध्ययन के माध्यम से हम वृक्षारोपण का महत्व, वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए और वनों की महत्ता यानी वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। आप जानते हैं, मैं अगली कड़ियों में आपसे बताऊंगा कि किस तरह से वन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। परंतु ये इन इन बिंदुओं के ज्ञान के लिए, मतलब वृक्षारोपण का जो महत्व है और वनों की क्या महत्ता है, इसको जानने के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन करना अनिवार्य आवश्यक होगा। अगला बिंदु है पर्यावरणीय घटकों का जीवन में महत्व स्पष्ट करने हेतु। पर्यावरणीय घटकों का, पर्यावरणीय घटक जैसे इसमें 3 तरह के घटक हैं। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक और फिर है अपघटक। तो देखिए, खासकर जैविक और अजैविक घटकों की हम बात करें तो जैविक और अजैविक घटक, तो जैविक घटकों के अंतर्गत जीव जंतु और पादप, ये 2 आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटकों में जल, वायु, प्रकाश, भूमि, ये तुम्हारे अजैविक घटक हैं। इनमें आपसी तालमेल या संतुलन बना रहे, इस हेतु हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। 8वां बिंदु है जैविक व अजैविक घटकों की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करने हेतु। मैं ऊपर की कड़ी में आपको बता चुका हूं, तो जैविक और अजैविक घटक में आपस में समन्वय संतुलन बना रहे, इस हेतु हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। अगला बिंदु है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु। देखिए, आज जो परिस्थितियां यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं, ये जो परिलक्षित हो रही हैं परिस्थितियाँ, हमें ये लग रहा है कि पर्यावरण में काफ़ी असंतुलन पैदा हो गया है। अतः पर्यावरण में संतुलन बना रहा है जिससे कि हमारा जीवन स्तर सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की भी गड़बड़ी जो है हमारे जीवन में ना आने पाए और सारे जीव जंतु कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर सके, इस हेतु हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखना आवश्यक। जैसे अभी मैं इसमें चर्चा करूंगा आगामी समय पर कि किस तरह से हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। उदाहरण के लिए, अभी मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात किया था। ग्लोबल वार्मिंग यदि मान लो बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर धरती के ऊपर हो जाएगी तो हमारा जीवन स्तर क्या होगा और किस तरह से जो ध्रुवों पर और पर्वतों पर जमी हुई बर्फ किस प्रकार पिघलेगी और किस तरह से वो नदियां वो बाहर आ जाएगी और किस तरह से वो समुद्र का जल स्तर ऊपर आ जाएगा और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आगामी वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा आप लोगों से। जो 10वां बिंदु है वो है मानवीय कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु। तो निश्चित तौर से मानवीय कार्यकुशलता मतलब मनुष्य यदि मान लो उसका पर्यावरण सही नहीं है, परिवेश सही नहीं है, जहाँ वो तरीके सांस नहीं ले पा रहा है, जहाँ उसका जीवन अच्छे से चल नहीं पा रहा है, तो निश्चित तौर से उसकी कार्यकुशलता घटेगी। तो अच्छी कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है कि हम पर्यावरण का अध्ययन करें और किस तरह से उसे हमारे जीवन जीने लायक बना सकें, इस हेतु हमें आवश्यकता पर्यावरण की है। इसके अलावा बंधुओं, बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर मैं आगे चर्चा करते रहूँगा कि पर्यावरण की आवश्यकता या पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता हमारे लिए क्यों है। आगामी वीडियो में इस पर बहुत निश्चित तौर से चर्चा करूंगा आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मात्र मैंने 10 बिंदु बताया है तो केवल यही 10 बिंदु हैं, इसके अलावा बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और आगामी समय पर मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करते रहूंगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया हो या आपको लगा हो कि भाई ये ज्ञानवर्धक वीडियो है, तो निश्चित तौर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अलार्म जो बटन है, मतलब कहना चाहिए, उस पर आप क्लिक करें। धन्यवाद।